विगत 16 वर्षों से असाठी स्मृणाल कोचिंग क्लास के डायरेक्टर विमल नरेंद्र असाठी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 8th, 9th, 10th सीबीएसई बोर्ड 11th, 12th साइंस जेई नीट एमएचटी डॉट सीईटी की अभी तक लगभग 1500 बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे आचरण की भी शिक्षा दी है। अभी तक उन्होंने 200 से ज्यादा गरीब छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षण दिया है। लगभग 150 से ज्यादा बच्चे आज आईआईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनडीए में बड़े पद पर हैं। 2015 में हरजीत अरोरा ने जिले में पहला और 2019 में फिजिक्स में वीना शिवलानी ने 100 में से 100 अंक और पवन फूडे ने 100 में से 100 अंक मैथ्स में हासिल किए थे। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर के साथ हर्षद चूटे की रिपोर्ट। नमस्कार, बीसीएन के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। मैं विमल नरेंद्र असाठी, असाठी स्मृणाल कोचिंग क्लासेस गोंदिया का संचालक। लगभग 16 साल से हम गोंदिया के लिए बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं। सन 2005 से हम निरंतर गोंदिया में वर्क कर रहे हैं। इसके पहले हम आमगांव में वर्क किया करते थे। आमगांव में अचीवमेंट्स अच्छे मिले और उसके बाद हमने गोंदिया में अपने काम को बढ़ाया। अभी हम लोग इस काम को अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी बढ़ा रहे हैं। हम अपनी फ्रेंचाइजी के रूप में इसका वर्क एक्सपांड करने जा रहे हैं। लगभग 2005 से अब तक हम लोगों ने कम से कम 1500 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दिया है, जिसमें से एजुकेशन फील्ड के अंदर या पर्टिकुलरली कहा जाए तो इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड के अंदर 150 से ज़्यादा बच्चों ने अपना उचित और क्या बोल सकते हैं परफेक्ट देने का कोशिश किया है। उसी प्रकार जो एजुकेशन में मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा है, चाहे वो क्या बोलते हैं फैशन डिजाइनिंग हो या इंटीरियर डेकोरेशन हो या फिर फाइन आर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, तो हर एक फील्ड के अंदर अपने आप को 100% साबित करने की पूरी कोशिश की है। और यही असाठी स्मृणाल कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार आचरण भी सिखाया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में शिक्षा के साथ संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि हम साथ में ही संस्कार ज्ञान शिक्षा समिति को भी संचालित करते हैं, जिसमें हम गरीब बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। चाहे वो किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ का हो, उससे ऊपर उठकर हम उसके ज्ञान की कद्र करते हैं और उसको ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस पर अचीवमेंट करने, बच्चों के अचीवमेंट के लिए सदैव प्रयत्नरत हैं। अगर आपके भी कांटेक्ट में कभी कोई ऐसे बच्चे हो जो जरूरतमंद है, तो हमसे जरूर संपर्क कीजिए। हम उनके लिए अपने तरफ से जो चाहे कोशिश होगी जरूर पूरी करेंगे। अब तक हम लोगों ने नीट और जेई में बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं। 2015-16 में नीट जेई के लिए रिजल्ट रहा, 2019 में नीट के लिए रिजल्ट रहा, जिसमें हमारे बच्चों को मेडिकल फील्ड में जेजे कॉलेज में मुंबई में एडमिशन मिला। उसी प्रकार 2015-16 में जो जेई पास आउट हुए उन्हें वेराइटी में एडमिशंस मिला, जो मैकेनिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं अभी जॉब पे भी लग गए। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथमेश शर्मा ने इस वर्ष नीट में 436 मार्क लिए, स्कोर किया। हालांकि लोगों की नज़र से मार्क्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन हमारे नज़र से 436 मार्क जो प्रथमेश ने अर्जित किए वो 720 में से 650 के बराबर है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो कोरोना काल रहा, जो स्थितियाँ रही, हालांकि वो सभी के लिए हैं, लेकिन कई बार इन परिस्थितियों में जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं वो इतना स्कोर नहीं कर पाते। हमारे प्रथमेश शर्मा ने और आयुषी गुप्ता ने प्रथम प्रयास में ही अच्छे मार्क अर्जित किए। इस बात का हमें भी गर्व है, इनके माता पिता को भी गर्व है और हम सब ने इस बात का सम्मान करना चाहिए कि प्रथम प्रयत्न में जिस साल परीक्षाएं तक नहीं हुई बोर्ड की, उसमें बच्चों का मन कितना दुखी हो सकता है, कितना मन विचलित हो सकता है। उस परिस्थिति में अपने मन को मजबूत रखकर परीक्षाएं दी और अचीवमेंट प्राप्त किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार और मानसिक मजबूती को भी प्राधान्य दिया जाता है। तो मैं प्रथमेश का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत करी और मेहनत के साथ इस अचीवमेंट को प्राप्त किया, जिसमें उन्हें अपने माँ बाप का साथ में माता पिता के अलावा कोचिंग का भी नाम रोशन किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश अनूप शर्मा है। मैं पिछले 2 सालों से असाठी स्मृणाल कोचिंग क्लासेस में असाठी सर के मार्गदर्शन के अंदर नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और इस साल नीट एग्ज़ाम में मुझे 436 स्कोर मिला है और इसके लिए मैं असाठी सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर समय मुश्किल से मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, बारीक से बारीक बातों को ध्यान देने की तरफ उन्होंने मुझे कहा और छोटी से छोटी चीज़ों में जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, जब भी मैं उनके पास
गया मदद मांगने के लिए, हमेशा वो तत्पर रहे मेरी मदद करने के लिए। इसके लिए मैं असाटी नल कोचिंग क्लासेस का, खास करके असाटी सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके मार्गदर्शन से मुझे बहुत मदद मिली है और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और इस तैयारी में जितना मेरा प्रयास है उतना ही सर का भी है, और सर को मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ।